हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने दोस्तों, और ये आपके लिए वर्णमाला का टेस्ट होगा। दोस्तों आप देखना इसमें से कितने क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं और कितने क्वेश्चन सही करते हैं, वो आप देखना दोस्तों। चलिए देखिए, वर्णमाला से सभी क्वेश्चन लगभग हम इसमें कवर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 52, 48, 50 या फिर 36। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 52 होती है। देखिए यहीं पर क्या बात करते हैं कि अगर बात कर ले स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होगी हमारी 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे टोटल 33। ठीक, तो व्यंजन की संख्या 33 होगी, और वहीं अयोग वाह की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 हो जाती है। ठीक, अयोग वाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिनको अंक और अहा बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर टोटल देखिए, टोटल पूछेगा कितने वर्ण हैं, ठीक, तो हो जाएंगे 52 दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के दोस्तों, आपको बताना है कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5 दोस्तों। तो कितने जाएंगे, 2 होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन दोस्तों। कितने, स्वर में और व्यंजन। जैसे कि हमने बता दिया स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, और टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यंजन की परिभाषा कौन सी है दोस्तों। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, पहला है दीर्घ स्वर वाले वर्ण, या स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, या बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण, या बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। देखिए व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन। जैसे हम देखते हैं का, ठीक, का क्या है, एक आपका व्यंजन है, मगर का बोलने के लिए हमें व्यंजन स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। का प्लस आ मिलकर बनता, कोई भी आपका व्यंजन होगा वो बिना स्वर की सहायता नहीं बोला जा सकता दोस्तों। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी नंबर, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अब देखिए यहाँ पर अगर सी की बात देखते हैं, तो सी क्या हो जाएगा, बिना किसी सहायता से बोले जाने वालों के क्या बोलते हैं, फिर ये स्वर हो जाएंगे। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते दोस्तों। ठीक है, देखिए स्वर स्वतंत्र होंगे मगर व्यंजन स्वतंत्र नहीं होंगे, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाएंगे दोस्तों। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर, वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला क्या होता है दोस्तों, अक्षरों की माला को, या लिपि में मान्य चिन्ह, या वर्णों के समूह को, या घोष ध्वनियों को, या व्यक्त शब्दों को। तो किसको बोलते हैं, जो वर्णों का समूह होता है उन्हें ही वर्णमाला बोलते हैं। और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण, हमने पहले बता दिया, कई बार बता चुके दोस्तों, तो ये याद रख लेंगे आप। ठीक, चलिए अगला है, महाप्राण वर्ण का अर्थ होता है, महाप्राण वर्ण क्या होता है दोस्तों, जिनके स्थान में श्वास का अधिक समय लगे, ठीक, या फिर दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, या फिर कम ध्वनि उच्चारण वाले अर्थ, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे दोस्तों, उनको हम क्या बोलेंगे, महाप्राण। ठीक, तो पहला क्या होता है अल्पप्राण, जैसे खा हो गया, खा हो गया क्या, महाप्राण, खा बोलेंगे जिसमें ज्यादा आपकी श्वास निकलेगी दोस्तों। ठीक है, का बोलेंगे कम श्वास निकलेगी, तो का हो जाएगा अल्पप्राण, और ये हो जाएगा खा महाप्राण दोस्तों। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है दोस्तों, अल्पप्राण होता है, बाकी जो महाप्राण हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, दूसरी लाइन, ठीक, और चौथी लाइन दोस्तों। ये चीज याद रख लेंगे, दूसरी और चौथी क्या होंगी, ये महाप्राण होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती, बिल्कुल सही, हमने बता दिया कि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले थे, बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन नहीं कह सकते दोस्तों, ठीक है, प्रत्येक व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं, मगर दोस्तों देखिए, हाँ, अगर इस हिसाब से देखते हैं तो टोटल 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं दोस्तों, का से लेकर के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है कि छत्रंग्या स्वतः उच्चारित वर्ण है, तो दोस्तों देखिए ये स्वतः उच्चारित वर्ण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी हमारा कुछ हद तक गलत माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यंजन आप उनको वर्गीय व्यंजन नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, वर्गीय व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन नहीं कह सकते दोस्तों, तो हमारा इन दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा दोस्तों। देखिए हमने बताया था पहला वाला और तीसरा वाला, ठीक, तो ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं दोस्तों। देखिए पहली वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन, मतलब का और गा क्या है, यही क्या है आपके
अल्प प्राण हो जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। प्रकंपित व्यंजन, देखिए प्रकंपित व्यंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकंपित व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों, तो आपको बता दें रा व्यंजन को। रा को क्या बोलते हैं, प्रकंपित या फिर लुंठित भी बोलते हैं, ठीक दोस्तों, लुंठित बोलते हैं, प्रकंपित बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे ठीक है। ये क्या होता है, प्रकंपित होता है, देखिए और या और वा क्या होता है दोस्तों, इनको हम देखते हैं तो या और वा को क्या बोलते हैं, इनको हम अर्धस्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं दोस्तों। और ला को क्या बोलते हैं, पार्श्विक बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श्विक बोलते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद भी रखनी है दोस्तों, ठीक है, तीनों चीजें हमने चारों ऑप्शंस में क्लियर करा दें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा, देखिए नासिक व्यंजन कौन सा होगा दोस्तों, पंचमा अक्षर को हम नासिक व्यंजन कहते हैं, जैसे क्या हो गया, अंगा हो गया, इया हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और माँ हो गया, तो ये क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं दोस्तों, जो नाक से उच्चारित किए जाते हैं। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई, देखिए ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एक तो आपका वर्ण हो जाएगा ठीक, और या फिर अक्षर, दोनों चीजें लगभग वही होते हैं, देखिए वर्ण इसमें दिया नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, अक्षर ही क्या होगा, हमारी सबसे लघुत्तम इकाई हो जाएगी, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ना, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई वही होता है दोस्तों, लघु को ही छोटा कहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी अक्षर, ठीक दोस्तों। चलिए अगला है, कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो कंठ व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होगा दोस्तों, तो कंठ से होगा, तुमको आपको पता है कि कंठ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है दोस्तों वो कहाँ से होगा, कंठ से होगा, इसीलिए उसका नाम कंठ रखा गया। तो कौन से होते हैं, कौन कौन से कंठ वाले व्यंजन होते हैं, तो आप बता दें, का कबूतर वाले होंगे ठीक, और का खा गा घा अंगा ये हो जाएंगे कंठ से, और छोटा आ बड़ा आ और हा हल है ना, और अहा ये विसर्ग ठीक, अकुह विसर्ग, ये नाम कंठा दोस्तों, ये सारे क्या हो जाते हैं, कंठ हो जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, होस्ट व्यंजन समूह में आते हैं, तो होस्ट किस व्यंजन समूह में आते हैं, तो क्या होता है कि पा फा बा भा मा वाले, ये क्या है आपके, होस्ट व्यंजन है ठीक, क्या है दोस्तों, होस्ट व्यंजन कौन कौन से हैं, पा फा बा भा मा, ये सब क्या है, होस्ट व्यंजन है दोस्तों, तो याद रख लेंगे, हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और देखिए इनको क्या बोलते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, क्या होते हैं, यारा लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों ठीक है, और छत्रंग यासरा क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन है चार ठीक है। और दूसरी चीज की, ये जो सासा साहा है, इनको हम उष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों, सब चीज याद रखिएगा, एक एक चीज हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों का ठीक दोस्तों, तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, ए आई वर्ण का मतलब कौन से स्थान के हैं, ए आई है ना, देखिये ए जो बनता है आ प्लस ई से मिलकर बनता ठीक, देखिए ए किससे मिलता है, आ प्लस ई से, तो आ किससे मिलता है, अकुह विसर्जी नाम कंठ, ये कंठ से बन जाता है ठीक है, ये कंठ से बनता आ, और ई किससे बनता है, तालु से ठीक, तो कंठ और तालु मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कंठ तालव्य, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है दोस्तों, का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग और सभी, तो सभी हो जाएंगे दोस्तों, देखिए ये पांच वर्ग होते हैं इनके, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ये पांच वर्ग होते हैं दोस्तों, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, और इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये पांच वर्गों में पाए जाते हैं और 25 होते हैं दोस्तों, और इन्हीं को उदित व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, उदित व्यंजन पूछे, वर्गीय व्यंजन पूछे, स्पर्शी व्यंजन पूछे, आपको एक ही आंसर देना है, कौन कौन से, काखा गाघा माफा है ना, तो ये का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग ठीक, तो यानी 25 हो जाएंगे, हर एक वर्ग में पांच अक्षर, तो 5×5 यानी 25 व्यंजन आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, वर्गीय, उदित या फिर स्पर्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं, ठीक, इचु यसा नाम तालु, तो दोस्तों क्या होते हैं, तालव्य, तालव्य होते हैं, और कौन से, चा वर्ग वाले भी होते हैं ठीक, और या यक भी होता है, और सा से सीटी भी होता है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, तालव्य होते हैं, ये तालु के होते हैं ठीक दोस्तों, तो याद रख लेंगे, ये तालव्य व्यंजन होते हैं, कौन से, ई और बड़ी ई ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, हमने बताया था कौन कौन से होते हैं, यारा लावा, या रा ला और वा, ये क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, और इसमें से केवल और केवल क्या मिल रहा है, हमारा या मिल रहा है दोस्तों, यही क्या है, हमारा अंतस्थ व्यंजन, देखिए या और वा को क्या बोलते हैं, हम अर्धस्वर भी बोलते हैं, तो ये भी याद रख लेंगे, या और वा को अर्धस्वर बोलते हैं, रा को क्या बोलते हैं, लुंठित, और ला को पार्श्विक बोलते हैं दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वा व्यंजन, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, तो वा कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, तो वा क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, क्या होता है दोस्तों, दंतोष्ठ, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों, दंतोष्ठ बोलते हैं, वा को हम दंतोष्ठ बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ता वर्ग होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है,
तो ये आपको बताना है ता वर्ग का इच्छा स्थान क्या होगा दोस्तों, ये चीज आपको बताना है। तो ता वाले क्या होते हैं दोस्तों, दंत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दंत होते हैं। ता था दाधा माँ, ठीक, ता था दाधा माँ, तुलसा नाम दंता। तो ता वर्ग वाले ता था दाधा और ला और सा से सर्वता, ये क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, दंत होते हैं। ता वर्ग वाले और ला और सा, ये क्या होते हैं, दंत होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। चा और छा उच्चारण स्थान होता है, तो इचु यसा नाम तालु, तो ये क्या होते हैं, तालब्य होते दोस्तों। ई बड़ी ई और चा वर्ग वाले और या से यज्ञ और सा से शलीफा, ये क्या होते हैं दोस्तों, तालब्ध होते हैं, तालु से होते दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे इचु यसा नाम तालु, तो ये क्या हो जाएंगे पहले 19 का क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। का और खा का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, तो का और खा का उच्चारण स्थान क्या होता है, इचु यसा नाम तालु। ठीक, देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे दोस्तों। आ से अनार, बड़ा आ से आम, का से कबूतर वाले, का खा गा घा मा है ना, थोड़ी का खा घा अंगा है ना, ये सब कहते हैं, ये भी कहेंगे ताल होंगे, और यसा नाम तालु। ठीक, आपको विसर्जनीय नाम कंठा, तो आहा है ना, तो ये विसर्ग वाले भी हो जाएंगे, आहा ये भी कहा जाएंगे, कंठ हो जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ याद रख लेंगे। ठीक, तो देखिए हमने 20 क्वेश्चन के, इनके हमने चारों ऑप्शन डिफाइन करने की कोशिश भी की दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जाएंगे, वो हमारा ठीक, तो आपको उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, और ये भी बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो अगर अच्छी लगी तो हम इस तरह के मॉक टेस्ट आपके लिए हर एक चैप्टर का अलग अलग लेके भी आ सकते हैं दोस्तों। तो बताइएगा कैसी लगी, और इसका आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तालु, मूर्धन, होस्ट या फिर कंठ दोस्तों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।